स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इंदौर रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों में मंडल के सभी टिकट निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों व टिकट चार्ज से संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि स्टेशन परिसर या ट्रेन में जो भी व्यक्ति बिना मास्क का मिलेगा उससे 500 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। मिले आदेश के बाद रेलवे के जिम्मेदार अपना काम करते भी देखे और बगैर मास्क वालों को फाइन भी किया गया। ऐसे निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए अगले 6 महीनों तक या अगली सूचना तक जारी रखा जाएगा। यात्रियों को सूचित करने के लिए स्टेशनों पर उद्घोष सिस्टम के माध्यम से लगातार इसकी उद्घोषणा करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। टिकट परीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि भारतीय रेलवे नियम 2012 के तहत रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म या ट्रेन में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। देखिए, अभी तत्काल में क्या है कि पहले भी 500 रुपए का चालान था, बट अभी क्या है कि आज से ही इमीडिएटली इफेक्ट से हम लोगों ने 500 रुपए का मास्क के लिए स्टेशन पे और परिसर में और ट्रेन के अंदर हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है रेलवे का, जो सुपरवाइजर और टीटी है, ये 500 रुपए तक चालान कर सकते हैं। तो पब्लिक को क्या है कि हम लोग पहले अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू भी सारा अवेयर कर रहे हैं ताकि 500 रुपए ना देना पड़े। और मेजर क्या है कि सभी लोग ये समझे, क्योंकि मास्क की इतनी बड़ी वो नहीं है, क्योंकि उसको इजी से खरीदा जा सकता है लगा के, क्योंकि 500 रुपए के लिए हम लोग बार बार से अनाउंसमेंट सिस्टम और दूसरे हमारे जो कैंपेन है उससे हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो फाइनली एक दो दिन बाद में अगर नहीं होता है तो उसको स्ट्रिक्टली किया जाएगा। किस तरह के बहाने बना रहे हैं लोग मास्क नहीं पहनने के लिए? देखिए, मास्क सब लोगों पे रहता है, बट वो दाएं बाएं लगा के चलते हैं तो वो एक गलत है, क्योंकि वो ना के बराबर है। क्योंकि मास्क अगर कान पे और सर के ऊपर या कहीं भी जहाँ पे रखते हैं, जेब में रख लेते हैं या इधर उधर, तो मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसेंजर की मोस्टली सबके पास में रहता है। लेकिन एक जो प्रॉपर जगह है जहाँ पे मास्क लगाना चाहिए वहीं लगाना चाहिए, बाकी मास्क को वैसे ही हाथ में रखे या फिर ऐसे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो मास्क को हमेशा लगाए रखे ट्रेन में और ट्रेन परिसर में। ये सभी ट्रेनों में अप्लीकेबल किया गया? हाँ, हमारे इंडियन रेलवे में सभी जगह पे, हमारे डिवीजन में, रतलाम मंडल में, इंदौर में, उज्जैन में, जो बड़े बड़े स्टेशन है सभी पे इम्प्लीमेंट किया गया। छोटे स्टेशन पे हो सकता है कि अभी धीरे धीरे तादाद कम हो पब्लिक की, तो आने वाले टाइम में हम लोग और सख्त हो जाएंगे। और दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो ऑलरेडी चल रहा है। किसी के पास में यदि फाइन के लिए रुपया अवेलेबल नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को लेकर क्या? देखिए, हम लोग इतना स्ट्रिक्टली नहीं हो रहे, क्योंकि देखिए पहले हम लोग अवेयर कैंपेन चला रहे हैं कि ताकि अब जैसे अभी सपोज किसी के पास में मास्क जेब में है और हाथ में है तो फिर अब उसको पहनने के लिए बोल सकते हैं, ऐसे नहीं कि 500 रुपये काट लेंगे उसके। तो मोस्टली सबके पास में रहता है, लेकिन सपोज सबके पास में पैसा नहीं है तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसको फिर हम लोग अवेयर कर सकते हैं, मास्क प्रोवाइड करा सकते हैं पैसों में या फिर जैसे हम लोग कर सकते हैं उसको। आपका परिचय? खेमराज मीना, जनसंपर्क अधिकारी, इंदौर। रेल प्रशासन ने यात्रियों से कोविड-19 अनुरूप व्यवहार का पालन करने का अनुरोध किया है। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने भी मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाने की बात कही है। चालानी कार्रवाई जो स्पॉटमैन होता है, नगर निगम कर रहा है, लोकल बॉडीज कर रही है, चूंकि यहाँ पर 40 लाख आबादी शहर में रहती है तो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, हर चीज़ लट्ठे से नहीं हो सकती है, सख्ती से नहीं हो सकती है। ये जो सुरक्षा है, बार बार सबको मालूम है कि कोविड केस बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से शहर का एक भी ऐसे नागरिक नहीं होगा जो उसको मालूम नहीं हो। लोगों को याद दिलाने के लिए, जागरूकता सभी में है, लोगों को याद दिलाने के लिए कि बहुत ज़रूरी है मास्क। कल भी 250-300 करीब स्पॉट फाइन हुए हैं, लोगों ने खड़े होकर चौराहों पर किए हैं या मार्केट क्षेत्रों में किए हैं, और इसको स्पीड बढ़ाई जाएगी ये वाली। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मीडिया के जरिए शहर की आबादी का जिक्र किया और आमजन से मास्क लगाने की बात कही। मनीष सिंह ने बगैर मास्क के कार्यवाही करने वालों और अन्य विभागों को लेकर भी मीडिया को बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के घूमने वालों पर कार्यवाही की जा रही है।